नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक तेज गति वाहन चालक ने बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। दोनों अलीराजपुर से परीक्षा देने इंदौर आ रहे थे। हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड की है। तेज गति आयशर गाड़ी ने बाइक सवार मुकेश बघेल और रंजना बघेल को टक्कर मार दी। दोनों भाई बहन थे और अलीराजपुर से परीक्षा देने इंदौर आए थे। हादसे के काफी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूरी में घायलों को कचरा गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रंजना की मौत हो गई। वहीं मुकेश का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक सड़क हादसा सामने आया है जहां पर एक वाहन ने जो है बाइक सवार दो युवक और युवती को टक्कर मारी है। आज ये धार रोड पर अभिनंदन पेट्रोल पंप है, उसके सामने की घटना है। करीब 11:30 बजे की बात है। आज सुबह एक आयसर 407 थी जिसने एक मोटरसाइकिल चालक, जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों बैठे हुए थे, दोनों भाई बहन थे, एक लड़की रंजना बघेल और उसका भाई मुकेश बघेल दोनों थे जो इंदौर आ रहे थे, जिसका वह 407 ने दुर्घटना कर एक्सीडेंट किया, जिसमें तत्काल उनको वहां से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। जो साधन वहां पर मौके पर मिला पब्लिक को, उससे भेज दिया गया था तत्काल। बाद में इलाज के दौरान रंजना बघेल जो बालिका थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और मुकेश बघेल जो अभी MY के बाद अरविंदो में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर, बताया जा रहा है नर्स थी या युवती, उनके काम के बारे में अभी जानकारी निकाली जा रही कि उनका वो किस फील्ड से थे, क्या करते थे, पूरा डिटेल। सर, ये वाहन चालक आयसर चालक को अभी क्या हिरासत में ले लिया? वाहन जब्त कर लिया गया है और वाहन चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।